प्रस्तुत संवाद के माध्यम से लेखक ने सागर और मेघ के गुणों को दर्शाया है। तो छात्रों, अपने गुणों पर इतराना, अहंकार करना एक बुराई है, ये स्पष्ट करते हुए एक बुराई को बुराई से ख़त्म नहीं किया जा सकता, बल्कि बुराई को अच्छाई से मात दिया जाता है। ये सभी से नम्र विनती से कवि कह रहे हैं कि लोगों को शिक्षा प्रदान करके कवि का कहना है कि सागर और मेघ के बिना प्राणियों का जीवन संभव नहीं हो सकता, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो छात्रों, आज के लिए इतना ही, आगे देखते हैं अगले वीडियो में।